हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करता हूं। और गाइस, प्रीवियस क्लास में मैंने जो आपको समझाया था वो कमेंट से रिलेटेड था, जिसमें मैंने लिंक, हाइपर लिंक और कमेंट आपको समझाया था। नाउ आज की क्लास में, इस डे में, हम अपने डे को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे ट्रैकिंग बॉक्स। ट्रैकिंग के साथ साथ हम यहाँ पर चेंजेस बॉक्स को भी सीखेंगे। तो गाइस चलते हैं, इस ट्रैकिंग बॉक्स को सीखते हैं आखिर ये क्या होता है। बहुत कम यूट्यूब पे आपको ये इसको समझने का मौका मिलेगा, तो प्रॉपर तरीके से इसको सीखिएगा अच्छे से। ये किस तरह यूज होता है, देखिए गाइस, मान लेते हैं कि एक बॉस है, उसने हमें कई प्रोजेक्ट जो है वो दिए हैं। अब मान लेते हैं ये प्रोजेक्ट हमारे रैंड की कमांड में है और मैं यहाँ पर 20 पैराग्राफ्स जो है वो ले लेता हूँ। अब इस प्रोजेक्ट में मेरे ऑनर ने मुझे बोला कि देखो भाई, आपको एक काम करना है, इसमें जो भी आप चेंजेस करोगे वो एक अलग कलर से होना चाहिए और जो भी चीज आप इसमें डिलीट करोगे वो भी अलग कलर से मेंशन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा गाइज, तो इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रैक चेंज। एक बहुत ही ऑसम एंड पावरफुल फीचर है जो कि हमें बताता है कि हमें क्या चीज डिलीट करनी है, वो भी अलग से हमें बताएगा कंपेयर करके, और क्या चीज हमने चेंज किया है वो भी हमें अलग से बताएगा। तो देखिए गाइज, मान लेते हैं मैंने ये प्रोजेक्ट पढ़ा और मुझे ये वाला एरिया जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूंगा और ये रहा ट्रैक चेंज, मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए इस पूरे इसमें बॉक्स में यही चीज है जो मेरी ट्रैकिंग चेंज का ऑप्शन जो है इनेबल हो चुका है। अब ये मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो देखिए मैंने डिलीट पे बटन दबाया तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरा इस तरीके से इंडिकेट करेगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करना है तो मैंने ये चेंजेस कर दिया। अब जो डिलीट हुआ है वो मेरा इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू में आ रहा है और जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो मेरा नीचे अंडरलाइन में आ रहा है। मुझे इसको भी डिलीट करना है और मैंने इसको भी डिलीट करना है। मान लेते हैं ये 3 पैराग्राफ में मुझे डिलीट करना है और इसके बाद यहाँ चेंजेस करना है, मुझे यहाँ पे भी कुछ चेंजेस करना है। तो मैंने इस तरीके से इस फाइल को बना दिया। नाउ अब इस फाइल को बनाने के बाद मैंने इस फाइल को वापस भेजा, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो जिनको मैंने ये फाइल भेजी है, हो सकता है उनको सारी की सारी चीजें, मेरे जो चेंजेस और डिलीट किए हुए हैं वो सब कुछ पसंद आ जाए। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा और देखिए यहाँ पर जाएंगे आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस, तो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे तो जितना भी आपने डिलीट और चेंजेस किया है देखो सब कुछ आ गया। मैं वापस एक बार कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से समझाने के लिए। हो सकता है कि वो सारा का सारा रिजेक्ट कर दें, तो यहाँ पे इस रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस पहले का पहले जैसा ही रहेगा। फिर से मैं एक बार और करता हूँ, लेकिन अक्सर क्या होता है कि कुछ चीजें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, और कुछ चीजें बेकार हो जाती हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्ट एक्सेप्ट दिस चेंज, ये लीजिए चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन ये मुझे सही नहीं लगा तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, इसको रिजेक्ट दिस चेंज। फिर इसके बाद ये वाला मुझे ठीक लगा, मैंने एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट, मैं इस पे करता चला गया, मुझे ये ठीक लगा। तो गाइज इस तरीके से जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है, चलिए इसको भी हम कर लेते हैं एक्सेप्ट दिस चेंज। नाउ इसके बाद यहां पर काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ तो देखिए ये स्ट्राइक थ्रू में आ रहा है। मैं इसको डॉक्यूमेंट को थोड़ा और बड़ा करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए, ठीक है। आप चाहते हैं कि किसी और वे में आए तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर ट्रैकिंग ट्रैक चेंज ऑप्शन, ये बहुत कम सी आपको दिखेगा, तो मैं इसको बता रहा हूँ, ये इंटर एडवांस सेटिंग होती है। इसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस ऑप्शन दिखाई देगा, ध्यान से देखिएगा, और एडवांस ऑप्शन में देखिए यहाँ पर लिखा है इंसर्ट अंडरलाइन, तो मैंने बोला सिर्फ कलर ओनली, ठीक है। कलर कौन सा चेंज किया आपने, आपने ब्लू कलर दे दिया। डिलीट करेंगे तो स्ट्राइक थ्रू की तरह क्या आए, सिर्फ यहाँ पे डबल अंडरलाइन आए अगर हम कोई चीज डिलीट करते हैं। और वो किस कलर से आए, वो हमारा चलिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ग्रीन कलर से, ठीक है। और चेंजेस लाइन में बाकी इस तरीके से आप, मैंने और कोई चीज छेड़ी नहीं, मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर ओके कर दिया। अब देखिएगा मैं इसको यहां पर डिलीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, डिलीट के लिए मैंने यहां पर डबल अंडरलाइन लिया और मैं यहां पर चेंजेस कर रहा हूं तो ये मेरा ब्लू आ रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने अभी तक सीखी। इसके बाद यहां पर देखिए यहां पे ऑल मार्कअप आ रहा है, सिंपल मार्कअप करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ये बॉक्स आएगा, ये सॉरी जो लाइन आ रही है आप इस पर डबल क्लिकेंगे तब ये चीज एक्टिवेट होगी। इसके बाद क्या आता है कि अगर आप नो मार्कअप रखना चाहते हैं तो कोई मार्कअप नहीं आएगा। इसके बाद आप चाहते हैं ओरिजिनल तो ये ऐसे आएगा, लेकिन आपको तो जरूरत किसकी है, यहाँ पर ऑल मार्कअप की, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो
इसके लिए ये पूरा का पूरा कंसेप्ट तैयार किया जाता है। आई होप आपको ट्रैक चेंज समझ में आ गया है प्रॉपर तरीके से। मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ट्रैक चेंज अब मेरा हट चुका है। गॉट इट? सो आई होप आपको ट्रैकिंग एंड चेंजेस करना प्रॉपर तरीके से आया समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एमएनसी कंपनी में इसका बहुत यूज होता है। सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर गाइज। बाय बाय।